मॉर्निंग बच्चों, कल हमने हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ा था, कक्षा दूसरी पार्ट नंबर दो। सभी बच्चे अपने बुक निकालेंगे, अपनी कॉपी निकालें। हम आज प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और आपको साथ में लिखने हैं। सभी बच्चों ने निकाल ली। अब है हमारे प्रश्न उत्तर, आओ अभ्यास करें। सबसे पहले विचार कीजिए, मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर एक, पैसे की बचत करना क्यों जरूरी है? पैसे की बचत करना क्यों जरूरी है? बचत करना जरूरी है। पैसे
अपनी कॉपी में लिखें। आगे है प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो, क्या आपने अपने जेब खर्च से पैसे को की बचत करते हो? क्या किरोड़ीमल का पैसे बचाने का तरीका ठीक था? क्या किरोड़ीमल का पैसे पहले हमने कठिन शब्द लिखे थे, फिर शब्दार्थ किए थे, उसके बाद ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पैसे की बचत करना क्यों जरूरी है? पैसे की बचत करना क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है हमारा, भविष्य में आने वाली जरूरतों के लिए पैसे की बचत करना जरूरी है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर दो, क्या आप अपने जेब खर्च से पैसों की बचत करते हैं? आंसर नंबर है 2, हाँ। आगे है प्रश्न नंबर 3, क्या किरोड़ीमल का पैसे बचाने का तरीका ठीक था? शेष किरोड़ीमल का पैसे बचाने का तरीका ठीक था, तो क्या लिखेंगे? आंसर नहीं, क्योंकि वह लालची था। ये पूरी आप सभी अपनी कॉपी में लिखे, साफ और सुंदर शब्दों में लिखे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से साफ साफ अक्षरों में इसको लिख करें। आगे है हमारा, क्या समझा पाठ से? क्या समझा पाठ से? ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं, ये हमारे मौखिक प्रश्न थे।
करोड़ीमल कैसे स्वभाव के आदमी थे? कैसे स्वभाव के थे? कंजूस। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? कंजूस। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सेठ करोड़ीमल से नारियल किसने मंगवाया? किसने मंगवाया था नारियल? उसकी पत्नी ने, क्योंकि उसको पूजा करनी थी। तो क्यों? उसकी पत्नी ने नारियल मंगवाया था, उसको पूजा करनी थी, इसलिए उसने नारियल को मंगवाया था। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 3, समुद्र के किनारे नारियल की क्या कीमत थी? तो क्या कीमत थी? 5,000 रुपये। नहीं, 5 रुपये। क्या कीमत थी? 5 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, सेठ करोड़ीमल पेड़ से करोड़ीमल ने, सेठ करोड़ीमल ने
आप सभी अपने
लिखने के बाद है हमारा प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5? समुद्र के किनारे पर नारियल की कीमत क्या थी? क्या आप सभी ने लिखे? अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन भी किए हैं, आपको ये सभी फिल करके लाने हैं और याद भी।